एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है सीधा, एरिया निकालना है हमको 2.3 का माइनस 1.0 का एंड 2.-4 का। ठीक है, तो इसके लिए करते हैं, तो आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये एक्स वन एक्स टू। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन मल्टीप्लाइड बाई वाई वन वाई टू माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ x1 कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई y2 कितना है माइनस 1 माइनस 0 माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 1 टाइम्स माइनस 4 माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स 3 माइनस 0, और ये कितना आ जाएगा निकल के हाफ ऑफ 8 प्लस 7 प्लस 6, और ये जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई 21 इक्वल्स टू 21 बाई 2 इज द एरिया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, है माइनस 5.-1 3.5 माइनस एंड 5.2 5.2, ये इसका एरिया निकालना है अगेन। तो ये कैसे हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 यानी माइनस 5, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 प्लस 5 हाफ मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 माइनस 7 प्लस 3.3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ 35 प्लस 9 प्लस 20 इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसके लिए सिंपल सा वही है, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो इक्वल्स टू हाफ ऑफ, पहला पार्ट है इसका, पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या क्या है पॉइंट्स, 7.-2 5.1 एंड 3.k। ठीक है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, अब इनमें हमको कोलिनियरिटी बतानी है, तो इसके बाद ये बस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, जीरो करते हैं उसको। ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 1-k प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3। ठीक है, और ये इसको 2 को उस तरफ देता हूँ, ये 0 हो ही जाएगा, ये जाएगा 7-7k प्लस 5k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो k निकल कर आ गया यहाँ से 4। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट करते हैं इसका, सेकंड पार्ट है 8.1
comma k minus 4 comma 2 comma minus 5. ये है अब इसके लिए भी सेम ही चीज करनी है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो करना है तो ये निकल कर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 प्लस 5 प्लस k मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये किस तरह है ये इसका हाफ ये जीरो हो जाएगा ठीक है तो इसको निकाल लेता हूं ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 6k 6k प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और k यहां से निकल कर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6 ठीक है थर्ड क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हु ट्रायंगल फॉर्मड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ थर्ड है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ये ट्रायंगल है ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स जॉइन कर दिए ठीक है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द गिवन ट्रायंगल ठीक है देखिए ट्रायंगल क्या है 0 कॉमा माइनस 1 ये क्या है 2 कॉमा 1 और ये क्या है 0 कॉमा 3 इसके मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं ये आ जाएगा 0 कॉमा माइनस 2 ये आ जाएगा 1 कॉमा 0 और इसका आ जाएगा 1 कॉमा 2 ये आ गया मिड पॉइंट्स अब इनका एरिया का रेशियो निकालना है तो एरिया का रेशियो निकालने के लिए पहले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ए बी सी यानी बड़ा वाला ट्रायंगल ठीक है ये डेल्टा है ठीक है ये आ जाएगा हाफ ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी ठीक है ये कितना निकल कर आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 टू 1 निकल कर आ गया ठीक है ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 1 निकल कर आ गया और इसको बोल देता हूं डी ई एफ ये एफ है तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ डी ई एफ ये कितना निकल कर आएगा हाफ ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 माइनस 1 और ये निकल कर आ जाएगा हमारा 1 बाय 2 ये है एबीसी एबीसी का एरिया ये है और ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ए है ये है ये बड़ा वाला ट्रायंगल है हाफ मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स टू 4 तो 1:4 का रेशियो आ गया इसका एरिया 1 आ जाएगा और बाकी का 4 आ जाएगा तो 1:4 का रेशियो आ गया